आज हम स्वामी वेद स्वरूपानंद जी के पास है, जो कि यहाँ परम तपस्वी हैं और कई वर्षों से उत्तरकाशी हिमालय क्षेत्र में अपनी साधना में लगे हुए हैं। और स्वामी जी हरिओम प्रणाम। और हरिओम जी, स्वामी जी आपके पास आए हैं तो आज कुछ हमें सत्संग की बातें बताइए कि ईश्वर क्या है, उसका होने का क्या प्रमाण है, कुछ आपके मन में जो भाव आता है वो बताइए कुछ इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब, आपने हमको समय दिया, परमात्मा की कृपा और आप असीम कृपा से जो है हमें इस चीज़ का हम बहुत बड़ा अभाग्य मानता हूँ कि जो परमात्मा के बारे में चर्चा के बारे में आपने हमसे पूछा। तो ये संसार है जो भगवान की स्वरूप क्या है, भगवान है क्या, भगवान क्या, भगवान की प्रमाण क्या है, रहने देखने का पाने का क्या प्रमाण है, ये चीज़ तो हमारे अंदर में जो सब कुछ शास्त्र प्रमाणित है और इसका परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, परमात्मा एक साधारण कोई चीज नहीं है, ये हमारे अंदर विद्यमान है, सारे सब जगह व्यापक है, सर्वव्यापक है और इसलिए संसार जो है सृष्टि जो है सब सर्वव्यापक का सत्ता कहा जाता है उसको। और परमात्मा एक प्रकाशक स्वरूप है जो हमारे हृदय के अंदर में वास करता है और वह जो है सब के हर मनुष्य को जानने की आवश्यकता है, हर मनुष्य इसको जान सकता है और हर मनुष्य इसको देख सकता है और इसका अनुभव कर सकता है। ये सबसे बड़ी क्या कहते हैं शास्त्र प्रमाणित है, वेद में रामायण में भी कि परमात्मा जो है प्रकाशक स्वरूप है, प्रकाश है, ज्योति स्वरूप है कि भगवान का स्वरूप। अगर रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि परम प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पुण्य विज्ञान बिहाना, जहाँ पर विज्ञान का अंत होता है वहां से परमात्मा का स्वरूप का परमात्मा का रूप का शुरुआत होता है। और परमात्मा कोई वस्तु नहीं है क्योंकि वह अविनाशी है और अविनाशी को कोई पकड़ नहीं सकता है। हम मंदिरों में मूर्ति को पकड़ सकते हैं, मूर्ति को हम पूजा कर सकते हैं, मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं, मूर्ति को हम बना करके प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं पूजा करके प्राण मंत्रों के द्वारा, मगर जो अविनाशी है उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, उसको अनुभव करने की जरूरत है और वो हमारे हृदय के अंदर में प्रकाश स्वरूप में ध्यान के वास्ता ध्यान के माध्यम से हम उसको देख सकते हैं और पा सकते हैं। अच्छा स्वामी जी ये बताइए इसका प्रमाण क्या है कि ईश्वर है, वाकई में ईश्वर है कि हमारी केवल मन की धारणा है? अगर ईश्वर न हो, सबसे बड़ी चीज है कि ईश्वर नहीं होता, अगर सत्ता नहीं होता आपको चला कौन रहा है? सबसे बड़ी चीज है कि आपके अंदर में जो प्राण जो श्वास चल रहा है ये कौन चला रहा है, ये श्वास क्या है? यही श्वास जो है परमात्मा का स्वरूप है और यही श्वास जो है आपको संसार को धारण करके रखा हुआ है। एक से अनेक, अनेक से एक में जो है विद्यमान है और वह सारा संसार जो है इसके अंदर विद्यमान होता है, सारा ब्रह्मांड इसी में विद्यमान है। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दिखाया, हे अर्जुन मेरे विराट स्वरूप को देख, इस संसार के अंदर सारा संसार मेरे में समाया हुआ है और मैं संसार के इस विराट स्वरूप में ही मैं ही समाया हुआ हूँ, मेरे में और संसार में कोई अंतर नहीं है। लेकिन मनुष्य अल्प होने के कारण उस संसार को माया के अंतर्गत में होकर के माया वशीभूत होकर के भगवान को नहीं जानता नहीं पहचानता। ये भगवान ईश्वर प्राणों का प्राण ही ईश्वर है, ईश्वर ही परमात्मा है जी। अच्छा आप कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से हम ईश्वर को जान सकते हैं या देख सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं, तो ध्यान कैसे किया जाए? एक आम साधक जो गृहस्थ भी है अपने काम भी कर रहा है, इसके लिए उसको किस तरह? इसके लिए जैसे साइंस के, साइंस को पढ़ने के लिए हमें साइंस के गुरु की आवश्यकता होती है, ज्योग्राफी के को ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्योग्राफी का टीचर होना चाहिए, लेक्चरर होना चाहिए, हिंदी के लिए, गणित के लिए, मैथ के लिए जो है उसके लिए हमें जो है इंग्लिश के लिए उसे हमको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही परमात्मा को जानने के लिए जो परमात्मा हमारे अंदर है प्रकाश स्वरूप है उसको जानने के लिए सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है और सदगुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं होता, वो साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर होते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि सदगुरु कौन होते हैं, सदगुरु वो होते हैं जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
ये भगवान स्वरूप परमात्मा होते हैं और गुरु महाराज जी श्री गुरु महाराज जी जो होते हैं सदगुरु जो होते हैं वो पारदर्शी होते हैं जो आत्मा का दर्शन कराते हैं और आत्मा का दर्शन करा के ध्यान के माध्यम से और क्या कहते हैं त्रिकुटी महल में ध्यान के माध्यम से आपके अपने हृदय में आपको अनुभव कराते हैं और ज्ञान दे करके आपको जीवन का कल्याण करते हैं जी। और स्वामी जी कुछ आपको जीवन में किस तरह अनुभव हुआ ईश्वर का, कभी ऐसा कोई मतलब कोई ऐसा बताइए कोई जहाँ पे आपको लगा है कि ईश्वर की मौजूदगी हुई जीवन में, ऐसा अनुभव कोई अपने जीवन का? जीवन में तो मनुष्य परमात्मा का जब ध्यान करता है तो परमात्मा का अनुभव ही जो कहते हैं वो विस्तार है, हमारे अंदर क्या कहते हैं विस्तार रूप से विद्यमान है और पूरे ब्रह्मांड में वो शक्ति है हमारे अंदर में, चाहे उसको आप माता कहें, शक्ति कहें, भगवान कहें। अच्छा स्वामी जी, जैसे हम देख रहे हैं कि आम आदमी आजकल बहुत तनाव में है, बहुत टेंशन में है, कई लोग बड़े बड़े शहरों में हम देख रहे हैं इतने परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, या तो उन्हें डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट पे जाना पड़ता है या वो कहीं सुसाइड ही कर रहे हैं कई लोग, तो ऐसा जो इस तरह का विचित्र माहौल आ गया है, ऐसे में आप क्या बताते हैं कि किस तरह आदमी धर्म की शरण ले और वो अपने की मतलब इस सब चीजों से अपनी सुरक्षा रखे? इसके लिए तो ये डिप्रेशन वाले जो जहाँ शब्द आता है ये सब मनुष्य के हमारे कर्मों के आधार पर आता है और विचित्र मनुष्य जो है जब समय के आधार पर उसको ज्यादा उपयोग करता है तब आदमी मनुष्य के अंदर में हृदय के उसके दिमाग पर जो है ज्यादा लोड पड़ता है और वो डिप्रेशन के रूप में ले लेता है। ये पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा विशेष देखा गया, जो पढ़ाई के उसमें आकर के उसको जो नौकरी के पीछे भागते हैं और माया के पीछे भागते हैं, धन के पीछे भागते हैं और संसार के वस्तुओं में भोग विलासों में भागते हैं, इसलिए वो परमात्मा को न मिलने के कारण, परमात्मा के तरफ न जाने के कारण ही डिप्रेशन का कारण बनता है। और परमात्मा को जब पा लेता है मनुष्य, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे वो कहीं भी किसी रूप में हो, चाहे साइंस वाला हो, चाहे मास्टर हो, चाहे डॉक्टर हो, जब तक परमात्मा से जब तक उसका संबंध नहीं जुड़ता है, आत्मा से जब तक संबंध नहीं जुड़ता है, तब तक उसका डिप्रेशन कभी भी कम नहीं होगा और वो माया के वशभूत होकर के कर्म करने वाला मनुष्य हमेशा डिप्रेशन में ही रहता है जी। ये है इसका जीवन। और साधारण लोग हर मनुष्य को जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, जब तक अपने हृदय में जब तक आत्म तत्व का ज्ञान नहीं कर पाएगा और उसके हृदय में जब तक वो ज्ञान नहीं होगा तब तक जो है मनुष्य भटकता रहेगा और इन 84 लाख जोनियों में ही इस संसार के पशु जोनियों में चिड़िया के बनकर, चिड़िया बनकर, कुत्ते जानवर बनकर के, चंडाल बनकर के, कोई प्रेत आत्मा बनकर के भटकती रहेगी जब तक मनुष्य आत्मा को आत्मा में प्रवेश नहीं करता, अपने मन को जब तक परमात्मा में जब तक लीन नहीं करेगा तब तक ये मन संसार में विद्यमान होकर के माया के वशीभूत होकर के संसार में ये नाना प्रकार के भोगों को भोगता ही रहेगा जीवन भर अनादिकाल तक भोगता रहेगा। अगर उसको मुक्ति चाहिए तो सदगुरु के चरणों में जाकर के कोई सत्य सत्य संतों के पास, जिनके पास ज्ञान आत्म ज्ञान हो और परमात्मा का ज्ञान हो, उनके चरणों में जाकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम करके हृदय छल कपट को त्याग करके अपने उस परमात्मा को जानने का कोशिश करें, जिससे कि डिप्रेशन हमारा कम हो। जब साधना करेगा तो माया का प्रभाव कम होगा, जब माया का प्रभाव कम होगा तो डिप्रेशन भी कम होगा। ये सबके लिए लागू है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो किसी छोटे जाति का हो चाहे बड़े जाति का हो, नियम सबके लिए परमात्मा ने एक ही बना रखा है कि आत्मा अपने आत्मा को जानो। पर स्वामी जी आजकल के टाइम पे सद्गुरु एकदम से कहाँ मिल पा रहे हैं? जो बड़े शहरों में लोग हैं उनको तो एकदम से उतने अच्छे गुरु सद्गुरु मिलना थोड़ा मुश्किल है, नहीं तो फिर वो कैसे मतलब पहचान करेंगे? पहचान यह है कि जिन खोजा तिन पाइया, संसार के अंदर में कहा गया है कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बावरी ढूंढ रही किनारे बैठ। अगर आप समुद्र के किनारे में जा करके किनारे बैठ जाएंगे कि हमको मोती मिल जाए तो क्या मोती मिल जाएगी? नहीं मिलेगा, इसलिए समुद्र के अंदर जाना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा और अपनी इस क्या कहते अंतर जगत के अंदर में जाएंगे तब जाकर के हमें सदगुरु की प्राप्ति होगी। सदगुरु कोई वस्तु नहीं है, सदगुरु तो एक ज्ञानी पुरुष होते हैं जो सत्य संत होते हैं, संत के रूप में माना जाता है उनको,
और सच्चे सदगुरु ही संत और सादे संत होते हैं। और वह संत को क्या कहते हैं कि उसको ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है कि हमें वो ज्ञान कौन देगा। कहा कि अगर पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का। ज्ञान माने सदगुरु के आगे अगर पहचान करना चाहते हैं तो हमें जो है दुकानों में जाना पड़ेगा, क्योंकि हर धर्म गुरु का दुकान है और हर दुकान में जाकर के हमें उस सदगुरु की पहचान करना पड़ेगा। कैसे कि वस्तु उसका मोल करना पड़ेगा, तलवार का मोल नहीं कर, तलवार का मोल करना है कि या कि म्यान का बात करनी है। अगर तलवार की बात करेंगे तो म्यान अपने आप मिल जाएगा, ज्ञान की बात करेंगे तो भगवान अपने आप मिल जाएगा, और संसार की बात करेंगे तो भगवान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकता। यह है ऐसा मूल मंत्र कि अगर कुछ पाना चाहते हैं तो हमें तो पहले पूछना पड़ेगा कि आपके पास ज्ञान है कि नहीं है, क्योंकि आपके पास किस चीज का ज्ञान है। आप डॉक्टर हैं तो आपके पास किस दवाई का ज्ञान है आपको, क्योंकि डॉक्टर सब डॉक्टरों को सब ज्ञान दवाई का ज्ञान नहीं होता है, एक्सरे का ज्ञान नहीं होता, या चीरफाड़ का ज्ञान सबको नहीं होता। चीरफाड़ का ज्ञान उसी को होगा जो आज वो कोर्स करता है। ऐसी प्रकार से सदगुरु जो होते हैं संसार के माया को हटाने के लिए, माया रूपी कैंसर को दूर करने के लिए, माया रूपी बीमारी को दूर करने के लिए हमें सदगुरु का आवश्यकता होता है। और सदगुरु जो होते हैं कोई पूर्ण ब्रह्म होते हैं, पार ब्रह्म होते हैं, इसलिए उनकी खोज के लिए उसका ठिकाना भी होता है। उनको ज्ञान पूछिए, ज्ञान से पता लग जाएगा कि वास्तव में उनके पास क्या है। बाकी सभी कहेंगे कि हाँ मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास सब कुछ है, मैं भी भगवान का दर्शन करा दूंगा, लेकिन वास्तव में परमात्मा का ज्ञान कराने वाला ऐसा कभी वो बोलेगा कि जैसे भगवान को जनाने के लिए विवेकानंद ने कहा था, रामकृष्ण परमहंस के पास जब गए बोले क्या आप मुझे उस परमात्मा का ज्ञान करा सकते हैं, तो रामकृष्ण ने कहा कि हे विवेकानंद, आपको मैं जैसे आप में बात कर रहा हूँ इससे भी नजदीक मैं आपको परमात्मा का ज्ञान करा सकता हूँ। तो सत्संग के इसके जानने के लिए सत्संग की आवश्यकता है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि सत्संग से ही पता लगेगा कि वास्तव में सदगुरु है कि नहीं है। सत्संग ही ज्ञान का विश्लेषण देता है।